नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। राम की नगरी में गौवंशों का चारा भुगतान करने वाले नगर निगम के ठेकेदार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह की धमकी दी है। बता दें कि नगर निगम अयोध्या के वैशिंग गौशाले में गौ भक्तों के भोजन के लिए हरा चूनी चोकर चारा की सप्लाई देने के लिए सन 2019 और सन 2020 में वित्तीय वर्ष 2020 और सन 2021 में सीएम कॉन्ट्रैक्टर का ठेका दिया गया था, लेकिन कई महीनों से भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने नगर निगम को चेतावनी दी है। नगर निगम अयोध्या के वैशिंग गौशाले के अंतर्गत सीएम कॉन्ट्रैक्टर के प्रोपराइटर चंद्रमोहन के द्वारा लगातार गौवंशों के भोजन के लिए हरा चारा भूसा चूनी चोकर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन मात्र 6 महीने तक ही उनका भुगतान किया गया है और उसके बाद 31 जुलाई सन 2021 तक भुगतान नहीं किया गया, जिसका कुल राशि 1,47,41,536 रुपये हो गए हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और इस बीच वो अस्वस्थ भी हो गया है, जिससे परेशान होकर अब चंद्रमोहन ने नगर निगम के सामने 26 जनवरी सन 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह की धमकी दी है। नगर निगम अयोध्या के ठेकेदार चंद्रमोहन ने कहा कि वित्तीय वर्ष सन 2020 और सन 2021 और सन 2021 सन 2022 में वैशिंग गौशाले में गौवंश के भोजन के लिए हरा चारा चूनी चोकर और भूसा की आपूर्ति ठेका मुझे मिला था, जिस पर हमने निबार्ध रूप से आपूर्ति की। हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगर निगम के ऊपर बाकी है, जिसके लिए सन 2026 बार लिखित नोटिस नगर निगम को दी गई, 7 बार IGRS के तहत सूचना भी मांगी गई थी। हमने शिकायती पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री सहित सांसद, विधायक और महापौर और नगर आयुक्त को सूचित भी किया है और कई बार निवेदन किया कि हमें हमारा भुगतान कर दीजिए, हमारे ऊपर भी भारी कर्जा है। हम किसानों के हरा चारा और गन्ने का पैसा बाकी है, व्यवसाय के लिए चूनी चोकर का पैसा बाकी है और भूसा का भी पैसा बाकी है, जिसकी वसूली के लिए लगातार तगादा किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब हम 26 जनवरी सन 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम बाज़ार में भी पैसा उधार हैं, इस वजह से हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। चंद्रमोहन ठेकेदार, नगर निगम अयोध्या। कैमरामैन अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ रिपोर्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, इंडिया समाचार, अयोध्या। मामला ये और किसको लेकर आपने अभी जो पत्र उत्तर जारी किया, क्या है सर? नगर निगम अयोध्या में वैशिंग गौशाला के बकाया के भुगतान के संबंध में प्रार्थी जानना चाहता है कितने दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। हम 2021-22 में गौशाला में चूनी चोकर हरा चारा भूसा सप्लाई किए थे, वहाँ हमारा 1,47,41,536 रुपये बाकी है। मैं नगर निगम को 26 बार लिखित नोटिस, 7 बार GRF के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचित किया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी, अपर आयुक्त साहब, सहायक गौशाला प्रभारी, हम सबसे बार बार आग्रह करते रहे सर हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि हम किसानों का पैसा बाकी है, चेरी का पैसा बाकी है, गन्ने का पैसा बाकी है, भूसे का पैसा बाकी है, जिससे किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, इसलिए हम बहुत परेशान होकर 26/1/2022 को नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सर हम बहुत मजबूर हो गए हैं, हम बहुत परेशान हो गए, किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, हमारा पैसा दे दीजिए, हमको सरकार पैसे नहीं दे रही, हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए हैं। हम सबको बार बार नोटिस करते हैं कि सर हमारा पैसा दे दिया जाए, क्योंकि किसान हमको बार बार टार्चर परेशान करते हैं, मार्केट का भी बड़ा पैसा हम उधार हैं, हम क्या करें, हमारी बहुत मजबूरी है। 26/1/2022 नगर निगम कार्यालय के सामने मैं आत्मदाह कर लूँगा, मेरे सामने आत्मदाह के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है, क्या करें सर, हम बहुत मजबूर हैं, पर हमारी पत्नी बीमार है, मैं बीमार हूँ, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नाम है आपका जो? हमारा सीएम कॉन्ट्रैक्टर, हमारी फर्म का नाम है सीएम कॉन्ट्रैक्टर, हम प्रोपराइटर हैं चंद्रमोहन श्रीवास्तव। किस चीज़ का पैसा है ये? ये भूसा चूनी चोकर हरा चारा। और कब से बकाया है ये? 2020-21, 21-22 और 21 जुलाई तक हमने सप्लाई दिया, हमारा पैसा बाकी था 1,47,00,000। मैं इनसे कहा कि सर हमें 50% भुगतान कर दीजिए, जिससे सप्लाई जारी रहे, ये हमको 50% भुगतान नहीं किए। उसके बाद ये दोबारा टेंडर निकाले, टेंडर हुआ 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दोबारा टेंडर कराया गया, 300 रुपये
चूनी में और 300 रुपये चोकर में प्रति क्विंटल की दर से बढ़ गया सर। लगभग महीने में 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है और बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपमानित करने का काम किया है, पिछड़े दलितों के हक और अधिकार और आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है, संविधान बाबा साहब के बनाए संविधान को खतरा है बीजेपी से। बीजेपी जिस तरीके से संविधान के साथ भी छेड़खानी कर रही है और संविधान खत्म करना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और साथ ही साथ में निषाद समाज को लगातार अपमानित करने का काम बीजेपी कर रही है। कश्यप निषाद बिंद धीमर मल्ला कहार गुड़िया माझी मझवार रैकवार प्रजापति राजभर इन लोगों को साथ में धोखा हुआ है, बीजेपी ने धोखा देने का काम किया है। बीजेपी ने 3-3 बार सरकार बनाई, केंद्र में 2 बार बनाई, उत्तर प्रदेश में 1 बार बनाई और अभी निषादों को लखनऊ में बुला के और अपमानित करने का काम किया है और निषादों ने भी ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि निषाद समाज का सम्मान जब जब हुआ है जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, चाहे उनका आरक्षण लागू हो, चाहे उनको बालू खनन मौरंग तालाब के पट्टे देने का काम हुआ हो, चाहे महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज के नाम पे छुट्टी करने का काम हुआ हो, चाहे मछुआ आवास को लोहिया आवास की तरह 3,05,000 देने का काम किया है और योगी सरकार ने हमारा मछुआ आवास भी छीनने का काम किया है, हमारा आरक्षण भी छीनने का काम किया है और हम लोगों के समाज महापुरुषों के नाम पे जो छुट्टी अवकाश घोषित किया था उसको भी कैंसिल करने का काम किया है और इनके बीजेपी के प्रवक्ता हमारी वीरांगना फूलन देवी पे अभद्र टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। ये निषाद समाज कश्यप समाज मल्ला समाज केवट समाज ये मल्ला और निषाद का बेटा निकला है, ये निकला है पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा और पूरे निषाद और मल्ला केवट कहार गुड़िया माझी को लामबंद करके उत्तर प्रदेश की गद्दी से योगी आदित्यनाथ को हटा के और माननीय अखिलेश यादव जी को बैठाने का काम करेगा, क्योंकि निषाद समाज को लगातार अपमानित कर रहे हैं और बीजेपी ने ना माफी मांगी अभद्र टिप्पणी पे और जिस तरीके से हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है और आरक्षण देने के वादे पे सरकार बनाने का काम किया और इनकी सरकार बन गई तो हमारे आरक्षण